द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स, एक्स मैगजीन रीड कर रहे हैं, ओनली एक्स ओनली, ध्यान रखना, इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड द मैगजीन वाई. द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई ओनली, ये वाई ओनली वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप. थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बोथ द मैगजीन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड ओनली मैगजीन एक्स. द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड आइदर वन मैगजीन और बोथ द मैगजीन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बोथ द मैगजीन. तो देखिए पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं. स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है. स्टेटमेंट में अगर हम ध्यान दें तो कुछ इस तरह का हम जो है इसको वेन डायग्राम से कर लेते हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं. देखिए वेन डायग्राम, तो अगर यहाँ देखें तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्स मैगजीन पढ़ने वाले हैं और ये हैं वाई मैगजीन पढ़ने वाले. हम कुछ देर के लिए इसको मान लेते हैं ए बी एंड सी. ए मान लो इसको, बी मान लो इसको, सी मान लो. तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ये कि द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली. तो एक्स ओनली कितने, एक्स ओनली तो आपका ये वाला पोर्शन हो गया सिर्फ, अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, ए. ए जो है वो कितना है, थ्राइस द पर्सन हु रीड द मैगजीन वाई. तो वाई कितना है, बी प्लस सी, बी प्लस सी हो गया. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देंगे द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई ओनली. तो वाई ओनली कितना है, सी. सी इज इक्वल टू थ्राइस द पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स. एक्स कितना है, ए प्लस बी. ये हो गया. अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ए इज इक्वल टू आपका हो रहा है, देखो यहां से आप, क्योंकि हमें जो है वो वैल्यू यहाँ पर इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर बी को एक मिनट के लिए जीरो भी मान लेता हूँ, बी को अगर हम जीरो भी मान लें तब भी क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन थ्री सी होगा, नहीं होगा, ए ग्रेटर देन थ्री सी, लेकिन बी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, थ्री सी से भी ज्यादा होगा. यहाँ से अगर देखें तो सी ग्रेटर देन थ्री ए. तो यहाँ से अगर स्टेटमेंट वन एंड टू को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक जगह एक स्टेटमेंट कह रहा है कि ए की वैल्यू थ्री सी होगी, दूसरा स्टेटमेंट कह सी की वैल्यू थ्री ए होगी. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टिंग है, नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच. तो कॉन्ट्राडिक्टिंग है ना, तो कॉन्ट्राडिक्टिंग ये जो दोनों स्टेटमेंट है इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन दिया है उस वो एकदम से आप बोल सकते हो कि उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है. तो इसमें ऑप्शन की तो बात ही ना करें, तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे. तो नाइदर करेक्ट आंसर वन, और हमारे दोनों ही स्टेट जो हमारे बोल सकते हैं कंक्लूजन्स हैं, दोनों कंक्लूजन्स क्या हैं यहाँ पर, गलत है.